गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ सदियों बाद, इनफैक्ट एजेस बाद, जो मैं मिंत्रा हॉल कर रही हूँ उसकी खुशी आई एम श्योर इट्स विजिबल ऑन माई फेस थ्रू माई आईज, दे आर शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड। सो इस बार का मिंत्रा हॉल इज फुली डेडिकेटेड टू साड़ीज एंड दैट टू रेडी टू वेयर साड़ीज, बिकॉज त्योहारों का सीज़न मैं बोलूँगी, फेस्टिव सीज़न नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया ये वाला टर्म। सो फेस्टिव सीज़न में हम सबको रेडी होना अच्छा लगता है, स्पेशली साड़ी का लुक तो हर किसी को फ्लॉन्ट करना अच्छा लगता है, पर्सनली मैं भी। लेकिन वो जो फूल पत्ती आ गए, प्लीट्स बांधने वाला सिस्टम होता है ना, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। और अगर मैं किसी की हेल्प लेके या खुद से भी मशक्कत करके मैं पहन भी लेती हूँ ना, तो उसमें चलना तो भाई मुझसे कोई चलवा ले, मैं चल ही नहीं पाऊँगी उसमें। सो इस बार मैंने पिक करी है मिंत्रा से रेडी टू वेयर साड़ीज एंड डिफरेंट लुक्स पैटर्न्स, जो आप भी इस फेस्टिव सीज़न में कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ Without any further ado, let's quickly, मेरे हाथ कहाँ से निकालूँ मैं, let's quickly get started. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस साड़ी से, which is coming from the house of Anouk, और इनकी मैंने कुर्तीज भी बहुत ज़्यादा पहनी हुई हैं। Now this साड़ी harem pants के साथ में आती है with attached dupatta and it has this beautiful flower printed blouse. मतलब get this tie-up thingy, you know, on the back side and 3-4 sleeves हैं। पॉली जॉर्जेट मटेरियल है। ओवरऑल अगर मैं इस लुक की बात करूँ ना, तो इट्स वेरी इजी ब्रीजी फ्लोई इंडो वेस्टर्न लुक आई वुड से, नॉट प्रॉपर देसी देसी। मतलब इस लुक से ना क्लियर होता है कि साड़ी पहन के आपको वो देसी फीलिंग नहीं आएगी, इट्स लाइक दैट इंडो वेस्टर्न हॉट टाइप का लुक। एंड ऑल्सो इसका स्टाइल कर सकते हैं आप मिनिमलिस्ट ज्वेलरी के साथ में, जस्ट द वे आई हैव डन। एंड एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि आपको ना यहाँ पे ये पल्लू जो होता है ना, यहाँ पे आपको प्लेट्स बनी भी नहीं आती हैं, ये आपको खुद से बना के और सेफ्टी पिन लगा दो, अब इतना तो काम कर ही सकते हो, नीचे फूल बनाने वाली बात तो एटलीस्ट नहीं है ना। सो या दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, आई क्वाइट लाइक दिस आउटफिट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। I have this green and golden printed a pant sari. So basically it's a three piece sari which is coming from the house of Sangaria. Now इनके भी बहुत सारे outfits मैंने previously try कर रखे हैं and the quality is like really good. And let me tell you, इसका price था somewhere around 1600 और ये आपको अभी Myntra पे कुछ sale चलेंगे तो उस पर आपको और भी off पे मिल जाएगी. Now it comes like three piece sari है, तो आपको pant मिलती है with you know semi elasticated waist band. And then you have this 3-4 sleeves का blouse. इसमें ना blouse में भी आपको linings मिलती हैं, तो मतलब कुछ भी see through वगैरह का issue नहीं होगा। एंड ऑल्सो यू हैव बटन्स हियर, ताकि आप पल्लू को एज इट इज यहाँ पे लगा दें, तो इसमें आपको प्लीट्स बनाने का भी झंझट नहीं है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, एज इट इज बस आपको लगा देना है। सो ये अंधेरे में तीर मारने वाली बात तो वैसा कुछ हो जाएगा, इट इज दैट सिंपल टू वेयर एंड इट लुक्स रियली गॉर्जियस। आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ गोल्डन इयररिंग्स के साथ में, जस्ट द वे आई हैव डन, एंड इट लुक्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। वेडिंग सीजन इज कमिंग अप, सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दिस लुक फॉर सम ऑफ द अदर मेहंदी और हल्दी आउटफिट्स। Now let's talk about this black sari which looks more appropriate for cocktail parties, लेकिन आप festive season पर भी कहीं ना कहीं आप इसको adjust कर ही सकते हो because of the beautiful color and the way it looks. This is coming from Juniper and it's such an easy way of wearing a sari. It's basically a dress जहाँ पर आपको pleats वाला pattern भी मिलता है and you don't have to do anything, you just have to wear it like a slip-on dress. एंड दैट्स इट, यहाँ पे आपको साइड में जिप क्लोजर मिलता है, सो यू ऑल्सो हैव दिस प्लीट्स गोइंग ऑन लाइक पल्लू साइड पे भी आपको मिलती है एंड देन फ्रंट पे भी मिलती है, जो फूल बेसिकली अपने को टिपिकल साड़ी में नहीं मिलते, कुछ वैसा सा, बट दिस इज ब्लैक एम्बेलिश्ड, यू नो टॉप मिलता है आपको ऊपर लाइक फर्स्ट हाफ इज द एम्बेलिश्ड, ताकि इट काइंड ऑफ मेक्स इट लुक मोर रिच एंड काफ़ी हैवी लुक देता है इस ओवरऑल लुक को। मैंने इसको पेयर अप किया है सिल्वर मोनोक्रोम हील्स के साथ में, आप चाहें तो कुछ ऐसा ही न्यूड कलर का एम्बेलिश्ड एड ऑन कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कब यू नो पहनना चाह रहे हैं लाइक फॉर फेस्टिव सीजन। इयररिंग्स मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला लुक ओवरऑल। फिट एंड फ्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक इज़ जॉर्जेट, जो कि बहुत अच्छे से इसका फॉल बैठता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस लुक, सो आई क्वाइट लाइक दिस ओवरऑल लुक, और इसको फेस्टिव सीजन से ज़्यादा आई एम आइंग टू वेयर दिस साड़ी ऑन लाइक यू नो कॉकटेल पार्टीज या फिर कार्ड पार्टीज जो भी दिवाली के टाइम पे होने वाली हैं, उसमें रियली गुड एक्चुअली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट लुक, आई डोंट नो हाउ टू टेल हाउ मच आई एम इन लव विद दिस लुक।
द गोल्ड टोन्ड दिस फेस्टिव सीजन इसके साथ में इतना अच्छे से प्योरली ब्लेंड हो रहा है ना ये वाला कलर. सो दिस इज फ्रॉम माबिश बाय सोनल जैन एंड इट्स देयर मरून सॉलिड काउल साड़ी विद ऑफ शोल्डर ब्लाउज. सो यहाँ पे आपको रस्ट ऑरेंज एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है ऑन ब्लाउज एंड इट्स वन शोल्डर. क्वाइट इंटरेस्टिंग और मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसको पहन के, इसको एक्सरसाइज करके. एक्चुअली स्टार्टेड इमेजिनिंग कि मैं इस लुक को कितनी बार और रिपीट करने वाली हूँ हेयर एंड देयर, बट आप मुझे कुछ मत बोलना. इवन इन वीडियोज द ब्लाउज इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. इट कैन बी पेयर्ड विद सम स्कर्ट और मे बी अ पैंट्स. मैं एक्चुअली इसको इंडिविजुअली भी बहुत पहनने वाली हूँ. आई एक्चुअली सी माई सेल्फ वेयरिंग दिस यू नो साड़ी, दिस कॉम्बिनेशन क्वाइट अ लॉट. एंड यस, मैंने इसको एक्सरसाइज किया हुआ है गोल्ड टोन ज्वेलरी के साथ में. यू कैन ऑल्सो डू द सेम और मे बी जस्ट प्ले विद द कलर्स ऑफ ज्वेलरी इफ यू हैव. ट्रस्ट मी, आउट ऑफ ऑल द लुक्स दिस is my favorite color in sari. Guys, so this was the final look जो मैं आप सब में शेयर करना चाहती थी एंड आई एम इन लव विद दिस ब्लाउज. आई मस्ट टेल यू, आपको डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना चाहिए. सबके लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड येस, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, द लिंक्स आर ऑल्सो नॉट अफिलियटेड, सो आई बी मेकिंग नो मनी. आप अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से, आपको समझ में आता है तो आप ले सकते हैं. बट दिस साड़ी इज मतलब एक्चुअली आपको ट्राई करनी चाहिए, माई पर्सनल रिकमेंडेशन. सो विद पर्सनल रिकमेंडेशन वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको सारे लुक्स अच्छे लगे होंगे. सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यस, यू कैन चेक इट आउट. सो यस, विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मंथ. टिल देन, कुछ उठाने की सबसे प्यार करिए ये लुक, ओवरऑल बैकग्राउंड मेरा, लाइक जिस भी तरीके से मैंने स्टाइल किया है सारीज को वो कैसा लगा कॉमेंट्स में मैंशन करिए. और ये भी याद रखिए, तरह लव यू ऑल सो मच, बाय, हैप्पी दिवाली.